नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। बिग बॉस सीजन 13 स्टार शहनाज गिल ने साजिद खान के लिए एक वीडियो मैसेज भेजा। वह कहती हैं कि उन्हें घर में खूब मस्ती करनी चाहिए, ना कि लड़ाई। साजिद का कहना है कि शहनाज के साथ उनका एक करीबी रिश्ता बन गया है और वह उनकी छोटी बहन की तरह ही है। सलमान इस बारे में बात करते हैं, कहते हैं कि साजिद को उनके माता पिता के माध्यम से जानते हैं। सलमान ने साफ किया कि सिर्फ इसलिए पक्षपात नहीं होने वाला है क्योंकि वो दोस्त है। बिग बॉस के कंटेस्टेंट बने साजिद खान ने खुलासा किया कि वह 4 साल से घर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि जब उन्हें बिग बॉस के लिए इनवाइट किया गया तो उन्होंने सोचा कि वह सभी टास्क को करना चाहेंगे और अच्छे और विनम्र बनना सीखेंगे। उन्होंने कहा कि वह दर्शकों के साथ अपने कनेक्शन से फिर से बनाना चाहते हैं। साथ ही आपको बता दें कि श्रीजिता डे का कहना है कि टीना दत्ता कई बार काफी हावी हो जाती हैं। सलमान खान का एक वीडियो भी दिखाते हैं जिसमें वह बात करती है कि टीना के साथ उनके कई इशू हैं। टीना दत्ता की ऑन स्क्रीन प्रतिद्वंदी श्रीजिता डे स्टेज पर उनके साथ शामिल होती है। वे शेयर करती है कि वे एक दूसरे को 10 साल से कैसे जानते हैं। सलमान खान टीना दत्ता को परखते हैं कि वह घर में अलग अलग स्थितियों को पर कैसे प्रतिक्रिया देगी। अगली कंटेस्टेंट बनी टेलीविजन अभिनेत्री टीना दत्ता, जिन्हें उतरन की इच्छा के नाम से जाना जाता है। टीना ने साझा किया कि वह इस शो के माध्यम से एक लड़का ढूंढना चाहती हैं क्योंकि वह लंबे समय से सिंगल है। राजस्थान की लोकप्रिय डांसर गौरी नागौरी बिग बॉस सीजन 16 के मंच पर आती हैं। उनके जबरदस्त डांस देख कर सलमान खान भी प्रभावित हो जाते हैं। सुमो जोकीर खान ने संघर्षों के बारे में बात की और बताया कि कैसे उनके जीवन ने बहुत कुछ सिखाया है। वे बताती हैं कि कैसे उनके पिता की कविता ने उन्हें बिग बॉस सीजन 16 में आने की ताकत दी। उनके पिता मंच पर उनके साथ शामिल होते हैं और कहते हैं कि ये परिवार के लिए एक सपने जैसा सच होने को है। साथ ही आपको बता दें कि बिग बॉस में पहली जो लड़ाई है वो देखने को मिलने वाली है, जहां साजिद खान वहां पहुंचेंगे और पहली लड़ाई बिग बॉस के घर में देखने को मिलेगी।